हमारी दुनिया बहुत विशाल है और इस दुनिया में न जाने कितने अजीबोगरीब रहस्य छुपे हैं। इस विशाल दुनिया में अजीब घटनाएं होती रहती है जो देखने में बहुत ही अजीब और दिमाग चकरा देने वाली होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की 5 अजीबोगरीब रहस्यमयी जगहों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अनसब्सक्राइब्ड हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यह अभी नया नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। नंबर 5, फेरी सर्कल्स। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में एक जगह है और इस जगह का नाम है नामीबिया। यह जगह बहुत ही अजीब है। यह अजीब इसलिए है क्योंकि इस जगह पर आपको घास के मैदान के बीच में खाली गोल जगह दिखाई दे रही होंगी जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, और यही चीज यानी कि घास के बीच खाली गोल आकृतियां इस जगह को बहुत अजीब और रहस्यमयी बनाती है। इस जगह को देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर इतनी सारी गोल आकृतियां किसने बनाई होगी या कैसे बनी होगी। इसी चीज को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पिछले सालों से बहुत अध्ययन किया और इस जगह का जितना हो सके उतना रिसर्च किया, पर आज तक वैज्ञानिकों को इस बात का अभी तक पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि यह आकृतियाँ किस वजह से बनी हुई है। यह अजीब जगह कैसे बनी यह तो किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ थ्योरी है जो हमें बता सकती है कि इस जगह का राज क्या है। एक थ्योरी यह कहती है कि यह खाली जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जमीन के नीचे दीमक यानी बाली चींटियाँ रहती है, लेकिन इस बात को कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। जब वहाँ के लोगों से पूछा गया तो वहाँ पर रहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता है, यानी एक विशाल जीव जो अपनी सांस जब छोड़ता है तो उसकी वजह से यहाँ पर बुलबुले बन गए हैं। आपको ये सुनने में कहानी जैसा लग रही होगी, है ना, पर ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। वहाँ आसपास रहने वाले लोग यह भी कहते हैं कि यह जगह एलियंस का अड्डा है क्योंकि उन्होंने बहुत बार यहाँ पर एलियंस के विमान यानी उड़न तस्त्रियों को देखा है। और कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह जहरीली गैसों की वजह से ऐसी बन गई है, लेकिन अभी तक इन बातों में कोई सच्चाई नहीं मिली है और यह आज भी सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इन सर्कल्स के बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, भूतिया रेलवे क्रॉसिंग। अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है सैन एंटोनियो। सैन एंटोनियो में एक रेलवे क्रॉसिंग है जो भूतिया रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है। यह जगह बहुत ही रहस्यमयी है। यह जगह रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि अगर कोई अपनी कार पर कोई ऐसी जगह पार्क करता है जहां ट्रेन से कुचल सकती है तो उस जगह पर ड्राइवर को बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कहीं ड्राइवर्स ने बताया है कि बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें सचेत करती है। इस बात की सच्चाई पता करने के लिए कुछ लोगों ने जब अपनी कार के पिछले हिस्से में बेबी पाउडर डाला तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी पर बच्चों के फिंगरप्रिंट नजर आए। वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोग बताते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो उनकी गाड़ी को क्रॉसिंग पर से धक्का दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस जगह पर खींची गई एक तस्वीर में कुछ अजीब परछाइयाँ नजर आ रही हैं जिसमें एक महिला अपने कुत्ते के साथ नजर आ रही है। लोगों को समझ में नहीं आता कि इस जगह पर ऐसा अजीब घटना क्यों होता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों से जब पूछा गया तो बताते हैं कि कुछ साल पहले इस ट्रैक पर बहुत सारे बच्चे एक एक्सीडेंट में मर गए थे, यानी ट्रेन से टकराकर मर गए थे, और ऐसी अजीब घटनाएं यहाँ पर लोगों ने कई बार देखी है। पर लोगों को इस बात का अजीबोगरीब बर्ताव समझ में नहीं आता और यह जगह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। आपको इस जगह के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, अंटार्कटिका रेड वाटरफॉल। अंटार्कटिका के बर्फ के रेगिस्तान के बीच एक झरना है जिसे अंटार्कटिका का ट्रेलर ग्लेशियर कहते हैं। यह झरना बहुत रहस्यमयी है। यह झरना इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि इस झरने से खून की तरह लाल पानी बहता है। सदियों से इस झरने के पानी का रंग लाल है। जिस जगह यह झरना है वहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, मतलब माइनस टेम्परेचर में भी पानी को जमना होता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। पानी जमने के बजाय गलकर बह रहा है और वह भी लाल कलर में। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। पहली बार साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट क्रिप्थिक लेटर ने यहाँ आने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहाँ तो खूनी वाटरफॉल गिर रहा है। उन्हें पहले लगा कि ये लाल रंग माइक्रोस्कोपिक लाल शैवाल की वजह से है,
मगर साल 2003 में टेलर की सेवाल वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। कुछ लोगों का तो यहाँ तक विश्वास है कि यहाँ पर कोई आत्मा रहती है, इस आत्मा की वजह से ही पानी का रंग लाल है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के पानी के अंदर वायरन ऑक्साइड होता है जो हवा के संपर्क में आकर पानी को लाल बना देता है। उनका अनुमान है कि इस जगह पर बर्फ के नीचे लौह तत्व की अधिकता है जो पानी को लाल रंग देती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस थ्योरियों को भी गलत साबित कर दिया और यह झरना आज तक के सभी वैज्ञानिकों के लिए अभी तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, मेडागास्कर बायोबाब। ये दुनिया वाकई बहुत अजीब है। दुनिया के जिस भी कोने में नजर घुमाएंगे उधर ही आपको कुछ न कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसे देखने के बाद कोई इंसान सोचने को मजबूर हो जाएगा। अभी हम जिस चीज के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई जगह नहीं है, ना ही कोई इंसान है, बल्कि एक पेड़ है। जी हाँ, मेडागास्कर जो कि अफ्रीका में स्थित है, यहाँ पर एक अजीब तरह का पेड़ है। अजीब इसलिए है क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ ऐसी होती है। इस पेड़ का नाम बायोबाब है और इसे हिंदी में गोरक्ष कहते हैं। लगभग 30 मीटर ऊंचे 11 मीटर चौड़े इस वृक्ष की बनावट बड़ी अजीब होती है क्योंकि इन्हें देखने से लगता है कि इनकी जड़ें ऊपर और तना नीचे है। बायोबाब में केवल साल के 6 महीने ही पत्ते लगते हैं। आपको बता दें कि ये पेड़ 1200 साल पुराना है। विशेषज्ञों का इसके बारे में कहना है कि इस पेड़ में 117,348 लीटर पानी स्टोरेज करने की क्षमता है। इस उल्टे पेड़ का नज़ारा वाकई में अद्भुत है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई इन पेड़ों को जमीन से उखाड़कर उल्टा रख दिया हो। नंबर 1, होयाबस्क्यू फॉरेस्ट। ट्रांसविलिया में एक शहर है जिसे होयाबस्क्यू के नाम से जाना जाता है। होयाबस्क्यू का जंगल को दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से माना जाता है। इस जंगल की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। इस जंगल के पेड़ मुड़े हुए हैं और इनका आकार विचित्र है जो इतने डरावने नजर आते हैं कि पास में जाते ही उन्हें देखने से ही लोग डरते हैं। वह डरते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है जिसके बाद से लोग जंगल में पांव तक नहीं रखते। आसपास के लोगों का कहना है कि शाम होते ही जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें और रोने की आवाज़ें आने लगती है जो सुनने में बहुत डरावनी होती है। साल 1870 में यहाँ के पास के गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी गलती से इस जंगल में घुस गई और उसके बाद वह गायब हो गई। लोगों को हैरानी तो तब हुई जब वह लड़की ठीक 5 साल बाद जंगल से वापस आई, लेकिन वह अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। हालांकि कुछ समय के बाद ही उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से आए थे लेकिन वह कुछ देर के लिए गायब हो गए और फिर बाद में फिर से आ गए। लोगों का कहना है कि इस जंगल में रहस्यमय शक्तियों का वास है, इसलिए इस जगह पर जाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। तो आपको इस वीडियो में कौन सी जगह सबसे रहस्यमय लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जैसे नई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Thanks for watching this video.